ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बंबर ठाकुर ने जेपी नड्डा के दौरे के विरोध में चंपा पार्क में अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनशन पर बैठ गए हैं। बंबर ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर में जेपी नड्डा के लिए अभिनंदन रैली का आयोजन किया गया है, जबकि वे नड्डा से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने एम्स निर्माण कार्य को लेकर कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बंबर ठाकुर ने जेपी नड्डा के दौरे के विरोध में चंपा पार्क में अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनशन पर बैठ गए हैं। बंबर ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर में जेपी नड्डा के लिए अभिनंदन रैली का आयोजन किया गया है, जबकि वे नड्डा से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने एम्स निर्माण कार्य को लेकर कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है। बंबर ठाकुर ने कहा कि नड्डा ने बिलासपुर में सिर्फ अपने चहेतों को ही एम्स में रोजगार दिया है, जबकि अन्य नौकरियां बाहरी राज्य के लोगों को मिली हैं। बंबर ने कहा कि नड्डा ने एम्स में 16,000 लोगों के लिए नौकरी का वायदा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया है। कोल्ड डैम विस्थापित एवं प्रभावितों को जारी 1% राशि भी अभी तक नहीं दी गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग को 12 करोड़ की राशि जारी होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटोरियम का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बंबर ठाकुर ने कहा कि अनशन शाम 8 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें जिला भर के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं। बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर की जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने सिर्फ बिलासपुर के 3 से 4 बड़े उद्योगपतियों को ही एम्स पर अन्य कार्य दिए हैं, जबकि जनता से किए गए वादे को नड्डा अभी तक भी पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी ही मांगे नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे।